नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। एक बार मैं फिर से प्रस्तुत हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का वीडियो लेके। चैप्टर का नाम है भारतीय राजनीति एवं नए बदलाव, चैप्टर नंबर 9, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, बुक नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट चैप्टर, लास्ट MCQ। इसके बाद आपके पॉलिटिकल साइंस का सारा सब चैप्टर जो है वो क्लियर हो गया है, सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। मैं पहले से बताता आया हूं कि यदि आपने सही तरीके से चैप्टरों को देखा है तो आपके अंदर कोई डाउट नहीं रह पाएगा, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट को सही तरीके से आपके लिए समझा दिया। इसके बावजूद भी यदि आपको दिक्कतें होती है तो आप कमेंट कीजिए ना, आपके कमेंट करने से हमें यह पता चल पाएगा कि आपको दिक्कतें कहां आ रही है। मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर ताकि आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं भारतीय राजनीति के नए बदलाव चैप्टर 9 क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 के लास्ट चैप्टर का। सबसे पहले हैं 2010 के बिहार विधानसभा चुनावों में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? जनता दल यू ने। भाई साहब, ये बिहार की राजनीति तो बड़ी ही कमाल की राजनीति है। 2010 में बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें जनता दल यू ने बाजी मार लिया, प्रथम स्थान प्राप्त किया, खूब वोट लिए भैया, खूब वोट लिए। अगला प्रश्न हमारा कहता है अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? V.R. अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने। ध्यान समझिएगा, बड़े लेवल तक ये पूछा जाता है कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया था, तो यहाँ पे आप जवाब दीजिएगा भीमराव अंबेडकर ने किया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? तो केंद्र में जो जनता पार्टी थी, मुरारजी देसाई वाली पार्टी थी, जेपी नारायण वाली पार्टी थी, वो 1977 में 1977 में कहां आई? केंद्र में आई, सरकार बनाई थी। अगला प्रश्न हमारा है जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? जनता दल यूनाइटेड जो है वो बिहार, हमारे भारत का एक बहुत प्यारा सा राज्य है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, इसलिए मैं उसे बहुत प्यारा बोलता हूं। अब इसमें आप क्षेत्रवाद नहीं समझ लीजिएगा, कहीं पॉलिटिकल साइंस का लैंग्वेज नहीं ठूस दीजिएगा कि अच्छा सर तो क्षेत्रवाद वाली बातें करते हैं। तो देखिए, अपने जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए अच्छे विचार रखना कोई गलत बात नहीं है। तो जनता दल यूनाइटेड जो है वो बिहार की पार्टी है। अगला प्रश्न जो है वो कहता है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कांसीराम ने किया था, कांसीराम इसके संस्थापक हैं, किसके? बहुजन समाज पार्टी के। गलती से आप मायावती नहीं बता दीजिएगा, मायावती बाद में आई है। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1980 में। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना जो है वो 1980 में हुआ था। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में निम्नलिखित में था। देखिए यहाँ पे क्या है कि कौन को ना हमने फोन लिख दिया है, तो मिस्टेक है, माफी चाहते हैं आपसे कि ये निम्नलिखित में से कौन दल शामिल नहीं है, कौन होगा इतना तो आप समझ ही जाएंगे। टाइपिंग करते समय कुछ गलतियां हो जाती है तो आप उसे इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी चैप्टर में डिटेल्स हैं उसके हिसाब से आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। तो यहाँ पे भाजपा जो है वो 2000 में बने संयुक्त प्रगतिशील प्रगतिवादी गठबंधन जो था उसमें शामिल नहीं हुआ था, कौन? भाजपा। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था में को किस श्रेणी में रखा गया है? तो बहुदलीय व्यवस्था में रखा गया है। भारतीय राजनीति दलीय व्यवस्था को बहुदलीय व्यवस्था की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो भारतीय जनसंघ पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी अंतर है, इसमें हम इसको भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनसंघ पार्टी का पुनर्जन्म कहते हैं, क्योंकि इसी के विचारों से ये प्रेरित था। अगला प्रश्न कहता है तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? ये आंध्र प्रदेश का, क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो भाषा है वो तेलुगु है, तो आप यहां से ये समझ सकते हैं कि तेलुगु देशम जो है वो आंध्र प्रदेश का राज्य का क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी है। अगला प्रश्न है हमारा जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी बनाई थी? तो हाँ, यही जनता पार्टी है जिसमें मुरारजी देसाई भी थे, जेपी नारायण भी थे और भी बहुत सारे नेता थे उस समय के दिग्गज, जगजीवन बाबू भी थे, जगजीवन राम, तो ये सारे नेता ने मिले क्या बनाया? जनता पार्टी बनाया, जिस समय इमरजेंसी वाला सिस्टम चल रहा था। इसके आगे का प्रश्न हमारा कहता है दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जो है उनके दल का नाम क्या है, उनके पॉलिटिकल पार्टी का क्या नाम है?
आम आदमी पार्टी है। ये आम आदमी पार्टी के अंदर ही मुख्यमंत्री हैं दिल्ली में। दिल्ली में जो इनका क्षेत्रीय पार्टी है, इनका नाम है आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी से रिलेशन है किसका? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत में गठबंधन जैसी बातें चल रही थी सरकार से पहले, उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। नाम काफी है, इनके बारे में मैंने चैप्टर में डिटेल से बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें उस चैप्टरों को, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारतीय जनसंघ पार्टी का नया नाम है, और ये 2017 में पूछा भी गया है, समझिएगा 2017 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए इसे याद कर लीजिए बिल्कुल। अगला प्रश्न हमारा कहता है, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? राजद ने। बिहार का चुनाव हुआ ना, उसमें राजद को भरपूर समर्थन मिला, राजद की पार्टी सर्वप्रथम आई, आगे आई। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? 1977 में। केंद्र में जो जनता पार्टी, जनता दल पार्टी नहीं, केंद्र में जो जनता पार्टी जो सत्ता में आई थी वो 1977 में आई थी, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न जो है हमारा वो कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 के तहत भारतीय संविधान में जो है वो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति को प्रदान करता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, देश के प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति, उन्हीं के माध्यम से हमारे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जज का सिलेक्शन होता है, चुनाव होता है, नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, ग्राम सभा का कार्यकाल कितने दिनों तक होता है? 5 साल तक। ग्राम सभा जो होता है उसका जो कार्यकाल है, कार्य करने की अवधि है, वो 5 सालों तक होती है। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 2016 में भारतीय रेल की अंतिम बजट को प्रस्तुत किया गया था, 2016 में। अगला प्रश्न हमारा कहता है, किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में ना पंचायती राज संस्थाएं नहीं है, पंचायती राज नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे पंचायती राज नहीं है, तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश ही वो राज्य है जहां पे पंचायती राज नहीं है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? देखिये, जिला परिषद भी उसी के अंदर है, पंचायत समिति भी उसी के अंदर है, ग्राम पंचायत भी उसी के अंदर है। मतलब ये जितने भी नाम आपको मैंने बताया, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ये पंचायती राज व्यवस्था का अंग है, विभिन्न हिस्सा है, इन्हीं के द्वारा पंचायती राज सही तरीके से चलाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, संसद का सदस्य न रहते हुए कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है? 6 महीने तक। अगर कोई सांसद नहीं है, कोई एमपी नहीं है, फिर भी वो मंत्री है, तो उसे 6 महीने से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए रख सकते हैं, 6 महीने के बाद हमें चेंज करना पड़ेगा, या फिर 6 महीने के दौरान उन्हें एमपी बनना पड़ेगा, सांसद का चुनाव जीतना पड़ेगा भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र से। अगला प्रश्न हमारा कहता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार किस काम के लिए होता है? लोकसभा के लिए। मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के कार्य का कार्य करने की प्रणाली के ऊपर जिम्मेदारी देती है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा का जिम्मेदार होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय, कोलकाता के अंदर जो हाई कोर्ट है ना वो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, सबसे पुराना हाई कोर्ट जो है हमारे भारत का उसे कोलकाता में है, कोलकाता के हाई कोर्ट को सबसे पुराना हाई कोर्ट माना जाता है, ये जीके का भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न कहता है, एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, सब में पूछा जाता है दवा के, इसलिए आप इसे ध्यान से याद कर लीजिए, एक वर्ष में संसद के 3 सत्र होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? 42वां
42 संशोधन जो हुआ हमारे संविधान का, उसी के हिसाब से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य जो हमारे संविधान में जुड़ा है वो संविधान के 42वें संशोधन के कारण जुड़ा है। अगला प्रश्न कहता है शून्यकाल संबंधित है किससे? शून्यकाल जो है वो संसद से संबंधित है, इसका रिलेशन संसद से है, संसद से संबंध है शून्यकाल का, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? एडवोकेट जनरल। राज्य सरकार जो होती है, किसी भी भारत देश के अंदर भी बहुत सारे राज्य हैं, अगर राज्य सरकार का कोई अगर सलाहकार होता है तो उसे हम एडवोकेट जनरल कहते हैं, एडवोकेट जनरल ही राज्य सरकार के सलाहकार होते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत की संसद में शामिल है क्या लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये सब किसमें शामिल है? भारत की संसद में। अब से पूछा जाए कि भारत के संसद में क्या शामिल है तो आप बताएंगे लोकसभा भी शामिल है, राज्यसभा भी शामिल है और राष्ट्रपति भी शामिल है। इस तरह से अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी समिति राजनीति अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई है? तो वोहरा समिति, वोहरा समिति इंपोर्टेंट है, वोहरा समिति जो है वो राजनीति अपराधीकरण के अध्ययन के लिए बनाई गई है। राजनीति में हो रहे अपराध या राजनीतिक पार्टी के द्वारा किए गए अपराध के ऊपर पढ़ाई ध्यान या फिर उसको स्टडी करने के लिए जो संगठन बनाया गया, समिति बनाया गया है, उसे हम वोहरा समिति कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं? अगर कोई व्यक्ति जेल में है या बंदी है तो अनुच्छेद 22 के द्वारा उसे संवैधानिक अधिकार दिया गया है, उसके पास भी कुछ राइट्स हैं, भले ही वो क्रिमिनल है, जेल में है, लेकिन उसके पास भी जो अधिकार है वो अनुच्छेद 22 के द्वारा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए हैं? 29 विषय सौंपे गए हैं, 29 सब्जेक्ट इन्हें दिए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन के हिसाब से 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय सौंपे गए हैं, इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा कहता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया, बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव प्रदान किया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने के सुझाव दिया गया था? त्रिस्तरीय, 3 स्तरों पर इन्हें बदलने का सुझाव दिया था, किसने? बलवंत राय मेहता ने। आगे हम आपको लेके चलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की और अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं उन सभी का नियुक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? मुखिया जी, हमारे गांव में मुखिया जी का वोटिंग होता है ना, वो जो होते हैं वो ग्राम कचहरी के प्रधान होते हैं और इनका कार्यकाल भी 5 साल तक ही होता है, याद रखिएगा ग्राम कचहरी का प्रधान मुखिया होता है और इनके कार्यकाल भी 5 साल तक का ही होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है, भारत में सिर्फ एक दल कांग्रेस ही नहीं है, बहुत सारे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं, तो ये सब मिलके अपने पॉलिटिक्स को चला रहे हैं, इसलिए आप कह सकते हैं बहुदलीय व्यवस्था है। अब प्रश्न जो हमारा कहता है तृणमूल कांग्रेस किस राज्य की राजनीतिक दल है? ये पश्चिम बंगाल की राजनीतिक दल है, नाम याद कर लीजिएगा, तृणमूल कांग्रेस जो है वो पश्चिम बंगाल की क्षेत्रीय पार्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। अगला प्रश्न हमारा कहता है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? अगेन रिपीट है, इंपोर्टेंट है, कांसीराम जो है वो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है इंदिरा गांधी के हत्या के बाद 1984 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितने सीटों पर विजय प्राप्त हुई? 415, इतिहास छा गए थे राजीव गांधी, इनको इतना सहानुभूति मिला इनके मां के मृत्यु का कि पूरे देश के चुनाव में ये 415 सीटें ले आए, मतलब लगभग सारा जीतिए गए थे। अगला प्रश्न हमारा है जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? ये बिहार की पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड जो है वो बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है। अगला प्रश्न है 6 दिसंबर 1992 में कौन सी घटना हुई? तो देखिए बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया था 6 दिसंबर 1992 में, बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढा दिया गया था।
अगला प्रश्न है हमारा, बहुजन समाज पार्टी मतलब बसपा का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? कांसीराम। अगेन रिपीट है, क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा बदल के पूछता है एग्जाम में, आप जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन के पूछने के ढंग से, इसलिए आप याद रखिएगा कि बहुजन समाज पार्टी का निर्माण संस्थापक कांसीराम ही है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, अन्य पिछड़ी जाति जिसे हम ओबीसी हैं उसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है अनुसूचित जाति जनजाति से अलग शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा समुदाय, जिसमें शिक्षा की कमी है, जिसमें बहुत पिछड़ा है, उनके पास नौकरी नहीं है, सामाजिक तौर तरीकों से वो अलग है, समाज में भी वो पिछड़े हुए हैं, उन्हें हम ओबीसी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मंडल आयोग के अध्यक्ष वीपी मंडल थे। मंडल आयोग के अध्यक्ष वीपी मंडल थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, गठबंधन की राजनीति के तहत राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब हुआ? 1989 में हुआ। किसका गठन? तो ये राष्ट्रीय मोर्चा का गठन हुआ गठबंधन के आधार पर 1989 में। अगला प्रश्न हमारा कहता है, जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या था? जनता दल का चुनाव चिन्ह चक्र था। चक्र था जनता दल का चुनाव चिन्ह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद कर लिए, जनता दल का जो चुनाव चिन्ह है वो चक्र था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, मंडल आयोग की सिफारिशों को कब लागू किया गया? 1990 में। मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में लागू किया गया। यहाँ पे क्वेश्चन और बन सकता है कि किसने लगाया, तो उस समय के तत्काल प्रधानमंत्री नरसिम्हा, दूसरी बात उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इस तरह से आपने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चनों को समझ लिया है। यहाँ पे मैंने अभी आपके जो चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे उन सभी को अच्छे तरीके से समझा दिया है। यदि आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। अब मैं आपके साथ फिर मिलूंगा अगले टॉपिक, अगले वीडियो, अगले बुक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।